गुड मॉर्निंग ग्लोबल इशनर्स सॉफ्टवेयर हब भारत डिजिटल इंडिया सिंगापुर और दुबई जैसे देशों से चार हजार गुना बड़ा मौसम मेहरबानी यहाँ वेदर अकॉर्डिंग टू लाइफ Indian climate is not true like Africa, not so cold like Europe. It is very suitable, enjoyable, comfortable, and healthy climate. This is the region. India is emerging, emerging as a residential global hub. पीरियड इसी दौर में भारतीय पत्रकारों की डिजिटल इंडिया के चलते दोनों जर्नलिज्मी आज लाइब्रेरी में पहुंचकर मैंने देखा अखबारी कागजों की बदहाली नौजवान सेना डिजिटल हो चुकी है और को को सूंगने वाला नहीं मिल रहा पढ़ना तो दूर पुराने परंपराएं चलते ट्रेडिशनल कंसर्ट के चलते लाइब्रेरीज हैं और लाइब्रेरीज ऑफलाइन वाली कागज अखबारों की भीड़ है अखबारी कागज छप रहे हैं और प्री पार्टी मैं पेपरलेस की तरफ जा रहा हूँ भारी कागज भारत में बर्बाद हो रहा है अननेसेसरी पाठक पढ़ नहीं रहे हैं मशीनें छाप रही हैं कई कार्यालयों में कई संस्थानों में और एक भुगतानी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ये ज़्यादा लंबा चलने वाला ढला नहीं और मैं सरकार से और समाज से इनके पत्रकारों के जो संस्थान है पत्रकारिता की उनसे पुनः कहूँगा कि, कि पेपरलेस सोसाइटी में साथ दें समाज का सरकार का पर्यावरणविदों का अपनी बात डिजिटल सिस्टम से कहें और आजकल कै घुस्व भी करें सरकारों से कहूँगा कि बस किस्म के अधिकारियों को लताड़े ऑनलाइन सिस्टम काफ़ी है जगह जगह कुछ नीच किस्म के अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं ऑफलाइन पेपर लेकर आओ पेपरलेस का मतलब क्या होगा कार्यालय में अखबारी बोझ के दम पर आमजन को परेशान करना शोभा नहीं देता है सरकार साधुवाद के पात्र है हर राज्य ने प्रदेश बाद में हरियाणा का साइबर सिटी के रूप में गुरुग्राम को गुरुग्राम को जाना गया बेंगलोर उससे पहले बहुत बड़ा हब है इसी कड़ी में मैं पुण्य अखबार के मालिकों से कहूँगा कि वो पेपरलेस व्यवस्था हम साथ समाज का हमारे जैसे जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं पर्यावरण के हित में समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए तो उस पर विराम लगा दें और डिजिटलाइजेशन को तेज़ी से बढ़ाएं ताकि दूर रेगिस्तान दूर दराज के लोगों तक पहुँचे बड़ी स्क्रीन पर लोग देखें और पैटर्न बदलें इसके लिए मैं कई जनप्रतिनिधि से जो मॉडर्न बच्चे हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी इसके लिए साधुवाद दूंगा कि भिवानी बार काउंसिल के सभागार में ई लाइब्रेरी की पैरवी की और उसके लिए अनुदान भी दिया टीचिंग ई लर्निंग सेलिंग ई मार्केटिंग ई टिकटिंग और इसके लिए इंडिया लीडरशिप ग्लोबल लीडर है सॉफ्टवेयर का तो वहाँ ये बातें शोभा मिलती पूरे विश्व को पता है हमारे यहाँ एक सौ पचानवे देश को मान्यता दी जा रही है जो कि दो सौ छः देश ताइवान को चीन नहीं मानते इस तरह और भी कई जगह विवादित स्थितियां हैं इजराइल फिलिस्तीन जैसे देशों को लेकर तो दुनिया को बहुत आशा है इस देश से इसका भविष्य पहला देश है जिसका बहुत सुंदर आँका जा रहा है बहुत तेजी से सुधरता आँखा जा रहा है तो वहाँ इस चीज़ की पैरवी करें और सभी में पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस जो है उनको अतोत्साहित करें पहले हमारी ही उनको सब्सिडाइज करती रही मैं सरकारों से कहूँगा कि मुँह मोड़ें और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जो इनके पास अभी जो धंधा बचा हुआ है इसी नेताओं को भ्रष्ट और करप्ट भी करते हैं लोग इस तरह की प्रक्रिया ला लाकर हमें विज्ञापन दे दो हम कुछ इस तरह की बातें चर्चा हैं अभी समाज में कल को कहेगा किसी ने कर दिया हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का लेन देन विदेशी देशों में जाके पटलों पर होता है तो उसका कोई ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा किसी ने किस अखबार ने और किस नेता ने क्या कर दिया परंतु तो मैंने इतना साझा रूप से बता दिया है कि इस दौर को बंद किया जाए और पेपरलेस सोसाइटी किधर बढ़े हमारे शेव कर प्रार्थना है और विज्ञापन भी दीवारें पोतना अखबारों गंदा करना दिल्ली सरकार केंद्र सरकार राजस्थान सरकार, सरकार, सरकार के अनूठी फलानी सरकार पंजाब सरकार के अनुठी ये बकवासबाजी बंद करें इसके लिए नरेंद्र के अरविंद केजरीवाल की के तो घोर आलोचना हो रही है कि प्रबंधन का छात्र माना जाता है IATN, और उसने आई आई टी एम आई आर एस और बेकदरी से एडवर्टाइजिंग धन लुटाने के मामले में उसका सबसे आगे स्थान तो मुझसे भी कहूँगा कि भाई को किस सोध ले और डिजिटलाइजेशन में आए ये कागजों में अखबारों और दीवारें जगह जगह कहीं मेट्रो के पिलर पर होते रहे में प्रार्थना भाई उनसे प्लीज आप सुधरें और देश को एक अच्छी दिशा दें राष्ट्र और समाज को सुनने दल के हितों से थोड़ा ऊपर लौटें धन्यवाद